हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और अभी बात करने वाला हूँ QJMotor 700 Supersport डियो के बारे में, जो कि ऑफिशियल लॉन्च डेट से पहले ही जो है वो लीकआउट हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ जो QJMotor है, जो कि बेनेली की एक सिस्टर ब्रांड है, मतलब बेनेली ब्रांड में भी हमें सेम मॉडल ही जो है हमें देखने को मिल सकता है, बट ये डिफरेंट नेम से देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड जो बाइक है फ्रेंड में अपकमिंग बेनेली एंड जो MV Agusta बाइक है उसी से हमें इंस्पायर देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड डायरेक्टली ये हमारे जो R7 है उसी की राइवल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो क्यूजे ब्रांड है उसने हाल ही में अपने 2 अपकमिंग 700cc के जो सुपर स्पोर्ट मॉडल्स है वो रिवील किए थे एंड अब उसे जो है वो लॉन्च भी करने वाली है। एंड अगर मैं इसके डिजाइन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर में क्वाइट एग्रेसिव के साथ हमें शार्प फेशिया हाउसिंग, जो कि हमें स्प्लिट LED हेडलैम्प के साथ ट्रांसपेरेंट वाइजर देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें 2 विंग्स जो कि हमें इसके दोनों साइड्स में एंड जो बाइक है फ्रेंड हमें एसेंटिक अपील के साथ जो हमें देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड अगर मैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 693cc का हमें पैरेलल ट्विन इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 75 HP के पावर के साथ जो हमें देखने को मिलने वाली है। एंड अगर मैं कर्व वेट के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जो बाइक है फ्रेंड हमें 193 kg कर्व वेट के साथ जो हमें देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जो बेनेली या फिर जो MV Agusta ब्रांड है उसे ऑफिशियली 2022 EICA में भी जो है वो लॉन्च करने वाली है। फिलहाल जो बाइक है हमें चाइना के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि हमें QJMotor 700cc के हमें सुपर स्पोर्ट ड्यू के नाम से जो है हमें देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल तो इस बाइक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है अवेल हुई थी फ्रेंड। और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अपनी नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।